अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्पीच नॉलेज की तरफ से इस वीडियो में हम आपको चाइना की एक नई कामयाबी के बारे में बताएंगे। यानी हम इस वीडियो में आपको दुनिया की तेज तरीन ट्रेन मैगलेव ट्रेन और रेलवे के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकान को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो दोस्तों, ट्रेन का निज़ाम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतहाई अहमियत का हामिल है। बच्चों के स्कूल से दफ्तर जाने तक आवाम आमदोरफ्त के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करती है। चीन में ट्रेन का निज़ाम वैसे तो कई सालों से बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन था, लेकिन इस वक्त चाइना दुनिया के तेज तरीन निज़ाम का मालिक बन चुका है। चीन ने ट्रेन का ऐसा निज़ाम शुरू किया है जो 620 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगा। इस निज़ाम का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुज़श्ता 5 सालों में मुकम्मल हो चुका है और बाकी 2021 में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सन 2035 तक इस रेलवे निज़ाम की लंबाई दुगनी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, चीन ने इस सिलसिले में पहले पहल अमेरिका और जापान की हाई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ ने चीन के साथ तआवुन किया और दुनिया का बेहतरीन रेलवे निज़ाम कायम करने में चीन की मदद की। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको बताते चलें कि इसकी बुकिंग का तरीकाकार और किराया क्या होगा। तो रेलवे माहिर स्मिथ कहते हैं कि बरतानिया में अभी तेज़ रफ्तार ट्रेन के बारे में सोचा जा रहा है, जबकि चीन मुल्क भर में तेज़ तरीन रफ्तार वाला नेटवर्क बना भी चुका है। ट्रेन के सफ़र के बारे में बताते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बार बुकिंग करवाने के बाद सवारी को सिर्फ अपनी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट दरवाजे पर स्वाइप करना होगा और उसके बाद सफ़र का लुत्फ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस ट्रेन का किराया $13 है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।